लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। सोलापुर में सामाजिक काम करने वाले युवकों ने बड़ी आनंद महसूस करते हुए जल्लोष किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले से 42 जवान शहीद हुए हैं। जैसे हिंदू धर्म में 12वें दिन तक दुखमय दिन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही 13वें दिन में जवानों की बदला इसका करारा कड़ी जवाब दिए हैं। इसका पूरा भारत देश दुख को भूलकर बदले में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया, उसका आनंद महसूस कर रहे हैं। युवकों ने तिरंगे के साथ रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहर में गरीबों की सहायता करने वाले कार्यकर्ताओं ने फटाके उड़ाकर एक दूसरे को मिठाई बांटकर जल्लोष किया गया। प्रथमता इंडियन आर्मीच वायुदला खूब खूब आभार मानतो। सर्व भारत वासी व भारत परिवार इंडियन आर्मी खूब आनंदी है। अपने हिंदू धर्म 12 दिवसाच सुतक पड़तो, 14व्या दिवसी अपन सुतक काड़ून अपने कामाला लगतो। तसच 13व्या दिवसी भारता खूब मोट दुखाच डोंगर कोसल होता, प्रत्युत्तर मनुन अपले इंडियन आर्मी ने 44 च्या बदले 350 जनाला ठार मारले पाकिस्तान मध्ये घुसून। असे धाडसी निर्णय भारतीय जनता पार्टी यांच्या नेतृत्वामध्ये झालं व सर्व देशातील नागरिक भारतीय जनता पार्टीच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीवर खुश आहे। असे धाडसी निर्णय या पुढेही घेण्यात येईल। बोलो भारत माता की जय। हल्ल्यात आमचे 44 आर्मी शहीद झाले, त्याच्या बदला म्हणून आज 13व्या दिवशी आमचे वायुसेना यांनी 100 किलोमीटर घुसून 1000 किलोचा स्फोट त्या तळावर टाकून त्यांचे 300 ते 350 सैनिकांना उद्ध्वस्त केले आहे। आणि आमचे एक त्यांना आत्म्या शांती लाभतो, त्यांना त्यांच्या घरच्यांना एक समाधान एक हास्य सीमित त्यांना मिळाला असेल असा निर्णय देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धाडसी निर्णय घेऊन एक आरकाडा राखून आणि सर्जिकल स्ट्राईक एक सक्सेसफुली करून दाखवलं, त्यांचा मी आभार मानतो। महाराष्ट्र के सोलापूर से इंडिया लाइव न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, मुमताज झवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज झवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती है, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।